बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पुर्तगाल कैसा मुल्क है, क्या वहाँ पे पढ़ने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आना चाहिए, कितनी फ़ीस है, क्या वहाँ पे काम की इजाज़त है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या आप वहाँ पे रह सकते हैं, क्या आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, नेशनलिटी मिलती है, ये तमाम क्वेश्चन जो मुख्तलिफ वीडियोस में पूछे गए कमेंट में, तो उनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पुर्तगाल इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कैसा मुल्क है? अगर तो आप कम खर्च में, कम एफर्ट्स में, वीज़े के एफर्ट्स में, और इसके बाद जो दूसरे झंझट बड़े बड़े ममालिक के वीज़ा लगवाने के लिए, जैसे स्पेशली इंग्लिश ममालिक के लिए, उनसे बचना चाहते हैं और यूरोपियन स्टेटस भी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर पुर्तगाल दी बेस्ट कंट्री है आपके लिए। यहाँ पे जो फीस है वो पर ईयर इंतहाई कम है, डिपेंड करता है आप किस कोर्स में आ रहे हैं। नॉर्मली बैचलर और मास्टर की डिग्री की जो है वो पर ईयर कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो 15 से 2000 यूरो तक भी है, जो कि पूरे साल की फ़ीस है। उसके बाद रहना इंतहाई सस्ता है, चीपर मुल्क है, दूसरे शेंजन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सस्ता मुल्क अगर शेंजन स्टेट्स में समझा जाता है, और वहाँ पे कम खर्चा है तो वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल एटमॉस्फेयर से भी बहुत अच्छा मुल्क है, मौसम बहुत अच्छा है, हर लिहाज से अगर देखा जाए तो एक परफेक्ट मुल्क है रहने के लिए पुर्तगाल। अब यह बात आती है जो मैंने आप लोगों को इसमें दो चीज़ें कवर की, ये कितनी फ़ीस है और कैसा मुल्क है, ये दोनों के लिहाज से तो ये एक आइडियल मुल्क है। अब बात आती है कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहाँ पर काम की भी इजाज़त मिलती है। पुर्तगाल शायद शेंजन स्टेट्स में से चंद एक ममालिक में ऐसा मुल्क है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जैसे वो आता है उसको कार्ड मिलता है, फ़ौरन ही उसको काम की इजाज़त दे देता है। नॉर्मली एक हफ़्ते में 20 घंटे से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं स्टडी के दौरान। अगर आपकी छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। लीगली आपको टैक्स नंबर इशू किया जाता है, आप उसके काम कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। यहाँ तक बात आती है कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद स्टेटस, जैसे आपकी पढ़ाई मुकम्मल होती है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ तो ये या तो आपके लिए दो तरीके हैं कि एक तो या आपकी स्टडी जो है वो प्रोफेशनल हो, या आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हो। जब आप कंप्लीट कर लें, अगर 5 साल से पहले कर लेते हैं, तो आपको मार्किट से कोई बंदा जॉब देता है तो आप उस जॉब पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं, तो अगर आपका 5 साल स्टडीज होते हुए ज़्यादा हो चुका है पुर्तगाल में, तो ऐटोमेटिकली 5 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल के, और पुर्तगाल में रह सकते हैं, और साथ ही कुछ सालों के बाद आप नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। बिलाशुबा ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पुर्तगाल में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर लिहाज से पुर्तगाल एक अच्छा और बेस्ट मुल्क है स्टडी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।